हेलो फ्रेंड्स, जय स्पेशल रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी। आप इसे बनाएंगे, एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाना चाहोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है पनीर। पनीर मैंने यहाँ 500 ग्राम लिया है, जिसे हमें क्यूब में कट कर लेना है। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, गर्म मसाला, ये सारे मसाले हमें मिक्स कर लेने हैं और पनीर को हल्का कोटिंग कर लेना है। पनीर टेस्ट में फीके होते हैं, इसलिए हम मसालों की कोटिंग करेंगे ताकि उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए सब्जी में। अब हम इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। दो प्याज लेने हैं, जिसे पेटल शेप में कट कर लेना है। दो शिमला मिर्च लेनी है, जिसे स्क्वायर शेप में क्यूब के आकार में कट कर लेना है। तेजपत्ता, जायपत्री, कलमी, स्टार फूल, मिरे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग। मसालेदार कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ड्राई रोस्ट। कढ़ाई पनीर का कढ़ाई मसाला हम घर पर ही बना रहे हैं। ये मसाला हमें इसे दरदरा ग्राइंड कर लेना है। अब हमारा पैन गरम है, उसी में मैं 2 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ और हम सारे पनीर के पीसेस को यहाँ रोस्ट कर लेंगे। पनीर को हमें दोनों साइड से अच्छे से पकाना है ताकि पनीर पे हल्की कोटिंग तैयार हो जाए मसालों की। और हम बटर में सेक रहे हैं, इसलिए उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। पनीर के पीसेस कितने प्यारे लग रहे हैं, वो दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। पनीर के पीसेस देख के ऐसे मुँह में पानी आ रहा है, इतने वो टेस्टी लग रहे हैं। मैंने उसी पैन में प्याज और शिमला मिर्च को 1 टेबलस्पून घी या बटर के साथ सेक लेना है 30 सेकंड के लिए। हमें उसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज का क्रंचीनेस बना रहे, उसी से वो टेस्ट आएगा। शिमला मिर्च और प्याज का जो क्रंची फ्लेवर है वो सब्जी में इतना लाजवाब लगेगा, उसके टेस्ट ही बहुत ही अलग लगेगा। मैंने यहाँ लिया है 2 बड़े टमाटर की प्यूरी, 2 टेबलस्पून बेसन, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, देगी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी। गैस पर हमने कढ़ाई गरम करने रखी है, उसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। आप आधा घी और आधा ऑयल डाल सकते हैं, आधा बटर या आधा ऑयल डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और 3 हरी मिर्च डाली है। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है और हमें लहसुन अदरक की पेस्ट दरदरी चाहिए। अब हम इसमें डालें ड्राई रोस्ट मसाला, जिसको मैंने दरदरा ग्राइंड किया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल में। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब इसमें हम सारे पाउडर मसाले डालेंगे, 2 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून देगी मिर्च पाउडर। अब सारे मसाले मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून बेसन, बेसन को ऑयल में मसालों में पकाना है। 30 सेकंड हमें इसको अच्छे से पकाना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टमाटरों की प्यूरी और टोमेटो हमें ज़्यादा देर पकाना है ताकि उसका कच्चा फ्लेवर जाए और ग्रेवी अच्छी बने। तो अच्छे से पक चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल रहे हैं 1 बाउल दही। वो स्पून की सहायता से हमें फेंट लेना है। उसके बाद हमें मसालों में डालना है और दही डालने के बाद हमें स्पून को बहुत चलाते रखना है ताकि दही जले ना और अच्छे से वो मिक्स हो जाए सारे मसालों में और पके, इसलिए हमें कंटिन्यू स्पून चलाते रहना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे दोनों हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि दही भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और उसमें ऑयल छूट रहा है मसालों में। तो हमें बेसन दही पकाना है।
मैंने यहाँ आधा गिलास पानी डाला ताकि सारे मसाले पक जाए। इसे मैं ढककर पकाऊंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट मसाले पकाने से हमारे कोई भी मसाले कच्चे नहीं रहेंगे, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब मसाले पक चुके हैं तो इसमें मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च और प्याज। हमने इसे बटर में सेक लिया था, अब इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं पनीर, सेके हुए पनीर। आप देख रहे हैं कि पनीर के क्यूब बिल्कुल ही टूटे नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से उसमें मसालों की कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसे भी मिक्स करेंगे और बिना ढके हम इसे 2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मगज की पेस्ट। मगज की पेस्ट मैं सबसे लास्ट इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमें बेसन पकाना था, दही पकाना था, टोमेटो क्यूरी पकानी थी, ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए उसके बाद ही हमें उसमें मगज का पेस्ट डालना है। मगज का पेस्ट सब्ज़ी में डालते ही उसका स्ट्रक्चर, उसका टेस्ट बहुत ही बदल जाता है और बहुत ही चेंज टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और वो ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी बन जाती है। ढककर पकाएंगे 10 मिनट्स। अब हमारी सब्ज़ी पक चुकी है, हमें सब्ज़ी बनाने में आधा घंटा लगा है और आप उसका कलर देखिए, उसका स्ट्रक्चर देखिए और देख के ही लग रहा है कि सब्ज़ी एकदम ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। आप इसे चपाती और राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इतना लाजवाब टेस्ट होगा कि आप सच में इसे बार बार बनाना चाहोगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हैप्पी।